है गैर कानूनी नहीं बननी चाहिए, कोई फ्लोर एक्स्ट्रा नहीं डलना चाहिए, किसी घर का पोर्शन नहीं होना चाहिए जो कानूनी तौर पर जायज़ ना हो। लेकिन जो लोग इसको ऑफिशियली परमिशन देते हैं या आंख बंद करते हैं उनको सजा नहीं मिल रही, सिस्टम दुरुस्त नहीं हो रहा। जब तक सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा इस शहर के हालात दुरुस्त नहीं। अच्छा, दूसरा सवाल ये है, दूसरा जैसे मुतबादल अभी तक नहीं मिला और उसमें नुकसान तो क्योंकि आवाम को हो रहा है, तो आप जिम्मेदारी किसको देंगे? देखिए, इसके अंदर जैसे कहा गया है कि चाइना कटिंग का केस ले लिया, चाइना कटिंग में लोगों को पता था सस्ती जगह ले रहे हैं, तो उसमें तो लोगों को भी जिम्मेदार होते हैं ना अपने फ़ायदे के लिए। मैं समझता हूँ कागजात पूरे होने चाहिए, बिल्डिंग कंट्रोल का अप्रूवल होना चाहिए, कंटोनमेंट अथॉरिटीज़ का अप्रूवल हो, उसको चेक करें। जो इस वक्त मेरे ख्याल से एक और बड़ा मसला इस वक्त सामने आ रहा है वो ये है कि आम आवाम को किस तरह पता चले कि ये बिल्डिंग में अपार्टमेंट खरीदे या ना खरीदे, ये मसला।